शांति और अहिंसा की साधना करनी है तो ये काम संगीनों के साये में ही होगा। सुरक्षित सरहदें रहेंगी तभी देश की संप्रभुता, लोकतंत्र की सुरक्षा होगी। आप सोच रहे होंगे कि हम ये उपदेश आखिर क्यों दे रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और हमारी सरकार को भी सावधान होने का समय है, क्योंकि ड्रैगन की फौज भारत की सीमाओं पर फिर से फुफकार उठी है। सीमा पर चीन की ऐसी सैनिक तैयारी पहले कभी नहीं देखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ है यह खतरनाक खुलासा। ये चीन का बेहद आक्रामक चेहरा है। चीन की भयानक चालों और चरित्र का ये म्यूजिकल किस्सा है। जरा सोचिए, जब एक साम्राज्यवादी और हमेशा लड़ने और हमला करने को तैयार देश में आर्मी की ऐसी तैयारी है, तो शांति के पुजारी देश भारत को अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए कितनी गंभीर तैयारी की जरूरत है। चीन में आर्मी में युवाओं के जबरदस्त भर्ती की रणनीति का खुलासा करने वाला ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक खुलासा ये हुआ है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की ये सारी कवायद हिंदुस्तान की सरहदों के लिए सदी का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से। पेंटागन ने दुनिया में चीन की सामरिक रणनीति से जुड़ी अपनी जो सालाना रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस में पेश की है, उसका खुलासा भारत के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में साफ लफ्जों में कहा गया है, भारत से लगी सरहद पर चीनी सेना की क्षमता में बड़ा इजाफा देखने में आया है। चीन ने पाकिस्तान से लेकर सरहदी इलाकों तक भारत की घेरेबंदी में फौजी साजो सामान में बड़ी बढ़ोतरी की है। चीन ने भारत के साथ लगी 4057 किलोमीटर लंबी सरहद पर अक्साई चिन तिब्बत के पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सैनिक तैनाती बढ़ा दी है। The report describes how China continues to invest in military programs and weapons designed to improve power projection, anti-access area denial, and operations in emerging domains such as cyberspace, space, and the electromagnetic spectrum. चीन की विस्तारवादी और भारत को घेरने की सामरिक रणनीति इसलिए भी देश के लिए चिंताजनक है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने भारत के लिए दुनिया के हर उस मंच पर रुकावट पैदा की जहां पाकिस्तान को घेरने में भारत जुटा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में जैश के आतंकी सरगना मसूद अजहर पर बैन के भारत के प्रस्ताव को चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में वीटो कर दिया। भारत की अनदेखी कर गुलाम कश्मीर से गुजरने वाले $46 अरब के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंजूरी दे दी, तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के विकास में भी चीन की सीधी हिस्सेदारी है। जो हमारे सामने तिब्बत वाला कमांड है उसके कमांडर का जो रैंक है उठा के सबसे ऊपर कर दिया तकरीबन, विच इज एन क्लियर इंडिकेशन कि चाइना के कुछ ना कुछ इंटेंशन है उस एरिया में। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमारे पास बड़े सारे काउंटर अपॉर्चुनिटीज हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज के बीच हाल के दिनों में सामरिक समझौते हुए हैं जो भारत के साथ अमेरिका की चिंता का भी सबब बने हुए हैं। जाहिर तौर पर पेंटागन की रिपोर्ट ने एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर भारत को संकेत दे दिए हैं कि वक्त रहते चीन के मुकाबले में आगे रहने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। आज तक ब्यूरो।